Okay, so friend, my brother, he is 5.2. आज इसके ऊपर हम लोग टेस्ट राइड करेंगे. एक मिनट रुको, दोनों पैर पहुंच रहा है क्या नीचे में? स्टैंड उठो. फ्रेंड्स, ये बहुत ही कंफर्टेबली टर्न भी कर पा रहे हैं और बाइक को चला भी पा रहे हैं. दो ही 5.2 हाई. व्हाट इज द हाइट? 5.2. ओके, तो आपको R15 वर्जन 3 चला के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छी लगी ये बाइक चला के. ओके, काफी कंफर्टेबल है. अच्छा, आपको क्या लगता है कि सिटी राइडिंग में इस बाइक को लेके अगर आप चलाए तो आपको कितना कंफर्टेबल लगेगा? जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं इसे ट्रैफिक पर चलाऊंगा तो मुझे काफी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरी जो हाइट है और मेरे जो दोनों पैर नहीं पहुँचते अच्छी तरह से, जो 5.2 होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. ऑलराइट, तो मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप 5.2 हो. हमारे काफी व्यूअर्स है यूट्यूब पे जिनकी हाइट 5.2 है और वो लोग काफी डेस्परेट है इस बाइक को खरीदने के लिए. उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या हम ये बाइक खरीद सकते हैं कि नहीं. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपका हाइट 5.2 है, आपको क्या लगता है, आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन सभी व्यूअर्स को? 5.2 वाले जो हाइट है वे आराम से चला सकते हैं इसे, कंफर्टेबल भी है, लेकिन जब ये ट्रैफिक में जाएंगे तो उन्हें काफी प्रॉब्लम होगी. अगर 5.2 वाले अगर ट्रैफिक पे अगर ज़्यादा नहीं चलाते हैं तो उनके लिए ठीक ही है, क्योंकि चलाने में मुझे सिर्फ ट्रैफिक पे प्रॉब्लम होती है और विदाउट ट्रैफिक मैं अच्छे से चला लेता हूँ. थैंक यू सो मच. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने दोनों पैर नीचे रखिए. मैं देखना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहते हैं कि 5.2 वाले के हाइट पैर नीचे पहुँचते कि नहीं. ओके, सो ऑलमोस्ट लगभग आपके दोनों पैर पहुँच रहे हैं नीचे. तो आपको वैसे नॉर्मल जब राइड करते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? ओनली जब आप ट्रैफिक में चलाते हो तो आपके दोनों पैर नहीं पहुंचते, इसलिए आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. अदरवाइज आपका सीटिंग पोस्चर, आपको लगता है कि आपको ज्यादा झुकना पड़ता है फ्रंट की तरफ में बाइक चलाते वक्त, या आपके रिस्ट में पेन या आपके बैक में पेन? आपने काफी चलाया है इस बाइक को. मैं ज्यादा लॉन्ग ड्राइव तो नहीं किया हूँ, लेकिन जब मैं चलाता हूँ तो काफी, अगर पीछे कोई अगर बैठता है तो रिस्ट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. वैसे इस बाइक को कोई भी छपड़ में जो चला सकता है, क्योंकि ये बाइक इतनी अच्छी तरह से डिजाइन की गई है कि कोई भी इस पर बैठे तो वो अच्छा ही दिखेगा. लेकिन आपको अपने पर्सनैलिटी इसके साथ मैच करना बहुत जरूरी है. यू हैव टू हैव द ड्रेसिंग सेंस. आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, आप किस तरह के शूज पहनते हो, आप किस तरह से स्टाइल करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस बाइक को चलाने के लिए. वैसे कोई भी अगर इस पर बैठ जाता है और अगर इस बाइक को चलाता है तो आप देख सकते हैं काफ़ी एग्रेसिव लुकिंग है, तो बाइक बहुत अच्छी दिखती है. लेकिन यहाँ मैटर करता है कि बाइक के साथ जो राइडर है वो भी अच्छी दिखे. अगर बाइक सिर्फ अच्छी है, आप अगर चला रहे हो इस बाइक को, तो लोग दूर से कहेंगे कि वाओ क्या बाइक है. लेकिन अगर इसके साथ अगर राइडर भी अगर अच्छा रहेगा, एक अच्छा स्वैग रहता है अगर राइडर का, तो लोग बोलेंगे वाओ बाइक और राइडर दोनों ही अच्छे लग रहे हैं. तो मैं ये नहीं कहता कि आई गॉट द स्वैग, लेकिन फिर भी आप जब चलाते हो बाइक को तो यू हैव टू हैव द ड्रेसिंग सेंस. आपको अच्छी दिखनी चाहिए आपके ऊपर में. आप जब लीन करते हो बाइक चलाते वक्त, दूर से दिखने वाले को अच्छी लगनी चाहिए. मेरे काफी सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आपके ऊपर में 5.4 हो आप और आपके ऊपर में ये बाइक काफी अच्छी दिखती है. एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. लेकिन दिस इज नॉट अबाउट 5.4 हाइट, इट्स नॉट अबाउट 6.1 हाइट और इट्स नॉट अबाउट 5.2 हाइट. इट्स अबाउट द स्वैग दैट यू कैरी व्हेन यू राइड दिस बाइक. तो आपके अंदर पे वो ड्रेसिंग सेंस, वो चाल जो बोलते हैं, वो चाल होना जरूरी है इस बाइक को चलाने के लिए. और बाकी इस बाइक
आधा काम तो ये बाइक कर ही देता है और जो 50% काम है वो आपको खुद करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो काइंडली प्लीज आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें हमेशा दीजिए।